PP38 की यूनियन कौंसल चिरिंड के गांव पीकुशोर से पीटीआई की तरफ से यूनस जाट और नईम सुल्तानी की पीटीआई छोड़कर मुस्लिम लीग नून में शमूलियत। इस मौके पर मलिक आसिफ ने तकरीर का इफ्तिताह किया। इनका कहना था वरियो खानदान आज तक पीकुशोर का पोलिंग हार कर नहीं गया, इंशाल्लाह ये रीत बरकरार रहेगी। इसके बाद यूनस जाट ने तकरीर करते हुए कहा बल्दियाती इलेक्शन हमने पीटीआई की तरफ से लड़ा था, अगर जीते नहीं थे तो भरपूर मुकाबला किया था। हमने जो 3 साल निकाले हैं इन 3 सालों में अगर हम घर भी जाते तो इंसल्ट होती और टीवी पर भी ये सुनने को मिलता था कि आपने घबराना नहीं। तो इनका कहना था खान साहब अब हमें घबराने दे। और नईम सुल्तानी साहब का कहना है खान साहब ने जो वादे किए थे वो सारे धरे रह गए। खान साहब ने अवाम को जलील किया है, हम इनकी पार्टी को छोड़कर वलियों खानदान का साथ दे रहे हैं। इस मौके पर चेयरमैन इरफान नारू साहब ने भी पुरजोश तकरीर की। इसके अलावा सलमान मुगन साहब, आप चिरिंड कैसर साहब और दीगर मुअज्जिन ने इस मीटिंग में भरपूर शिरकत की। मुजफ्फर साहब इनकलाब से थाने पाक से इस मीटिंग का आगाज किया। अब ये छोटा सा हमारे से कॉर्नर मीटिंग थी, 24 तारीख से वानी साहब से मेरी बात हुई थी। जलसा तो अब दूर की बात है, वो तो अभी नज़दीक जाके कहीं करवाएंगे, लेकिन ये छोटी सी कॉर्नर मीटिंग रखी थी जिसमें हमारे साहब का उम्मीदवार चौधरी यूनुस जट साहब जिन्होंने पीटीआई की तरफ से इलेक्शन लड़ा था काउंसिलर का, और नईम सुल्तानी साहब जिन्होंने आज ये शमूलियत करके तो उन्होंने नून लीग का कद भी बढ़ाया और वरियो खानदान के साथ कंधे से कंधा मिलाने का वादा भी किया, और उन्होंने ये मीटिंग रखी है छोटी सी। और मैं अब ये दावा दूंगा चौधरी यूनुस जट साहब को कि वो आए और अपनी शमूलियत का आगाज करें कि 24 तारीख से बानी का साथ उन्होंने देना है। ये तुहानू पता कि जदों पिछे बलदियाती इलेक्शन आया सी असी पीटीआई वालों इलेक्शन लड़िया ही जनरल काउंसलर का, तो चलो जीते तो नहीं हाँ मुकाबला किया, इंशाल्लाह असी कोई 400 वोट लिया है, ठीक है 6 जनरल काउंसलर हाँ अभी पता है ठीक है। तो यार असी जेडे 3 साल कटे ने ना यकीन करो जो मैं घर भी जाना हाँ तो घरों इंसल्ट होंगी, ठीक है घर के जो सब्जी लैन जाते हैं तो उन्हें हम बड़िया गल्ला सुननिया पैंदियां ने, जो टीवी अगे भी बहुत हैं तो बस यही तसली मिलती है कि आपने घबराना नहीं। मैं क्या नहीं हूं सानू घबरा दो खान साहब, ठीक है क्योंकि हूं वाम तंग आ गई है, तो जे इन्हों का ही साथ दई जाना झूठिया तसलियां का तो यार फायदा मकसद कोई नहीं, टाइम जाया करना लिहाजा असी ये फैसला किया कि असी वरियो खानदान का साथ दे के इंशाल्लाह ताला मलिक आसिफ वान ने बड़ी मेहनत की कि यार वरियो खानदान का साथ दई असी, ठीक है तो इंशाल्लाह मेरे भरा भी इतने बैठे ने, मेरे पुत्र पुत्रीए चाचे सारे इतने बैठे ने, तो इंशाल्लाह असी वरियो खानदान का एक बार फिर साथ दईए, जितते तो अगे भी इतों है ने, तो इंशाल्लाह ऐतकी उन्होंने इंज का जताइए कि उन्होंने पता लगे कि इंशाल्लाह यार कोई साथी साढ़े नाल होर रले ने, ठीक है तारक सुभानी साहब न रघुमान सुभानी साहब न वो ना दौड़न यार, असी दिन रात दौड़िए असी मेहनत करिए। मेरा वड्डा भाई कैसर भट्टी साहब ने ये इन्होंने करबला मुहला के मेरे नाल बड़ी मेहनत की थी, तारक साहब करबला मुहला के असी कट्ठे हाँ उत्थे बड़ी इन्हें मेहनत की थी कि अगो यार तो नून लीग जाता है, मैं उसका भी वादा पूरा किया भट्टी साहब अज, ठीक है तो नईम साहब ने मेरे भाई सारे ही असा फैसला किया कि असी वरियो खानदान का साथ देना तो एक मुठ होकर देना इंशाल्लाह ताला। इन्हों 28 तरीक न दुश्मनों 10 बजे तक रसारा इंशाल्लाह बहुत दूर ने समझ आई ना इंशाल्लाह ताला असी इन्हों जिताना। सलाम अलैकुम चौधरी यूनुस जट साहब जिन्होंने भरपूर जोशो जज्बे के साथ जो भी नमन किए हैं वो ठीक किए हैं और अच्छे कहे हैं और वाकई ही वो हमारे साथ हैं और उन्होंने पीछे लगे हुए, मुझे भी काफ़ी देर हो गई थी कहते हुए कि यार इस इलेक्शन में ना आ वरियो खानदान के साथ दें हमारे साथ चलें, उन्होंने मान लिया बहुत मेहरबानी उनकी। और इनके साथ मैं दावत दूंगा आप साई नईम सुल्तानी साहब को कि सुल्तानी डेरे पे खड़े होकर वो अपनी सरकार के सामने खड़े होकर ये वरियो खानदान के साथ और ये पीकुशोर के लोगों के साथ ये वादा करेंगे कि हम वरियो खानदान के साथ हैं और साथ रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। नईम सुल्तानी साहब।
दोस्तों बुजुर्गों, जिस तरह के आपको पता है कि इमरान खान साहब ने जो उनसे वादे किए थे उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया, बल्कि उसके मतबादल आवाम को जलील किया है। और इंशाल्लाह ताला अभी हम उनकी पार्टी को छोड़ के अपना बड़ी खानदान का साथ दे रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से, बेकोशोर से, बल्कि इस PP 36 के हलके से पहले भी कभी उनको कोई हरा नहीं सका। अब इंशाल्लाह अगर इमरान खान साहब भी आ जाएं तो वरियो खानदान को हरा नहीं सकते। इंशाल्लाह ताला पहले से ज्यादा बोल लेके वो कामयाब होंगे। अल्लाह के फजल व करम से हम पूरे बरादरी, अपने दोस्तों, अपने अजीज वकारिब की तरफ से इंशाल्लाह ताला इनका भरपूर साथ देंगे। अल्लाह के फजल व करम से पहले से ज्यादा वोट लेके देंगे और अल्लाह के फजल व करम से इनको कामयाब करवाएंगे। आपने जो उनसे देखा है, हर बंदे ने देख लिया है कि ये जो उनसे वादे करता था कि 2 रुपये बिजली की यूनिट देंगे, अभी वो देख लें 32 रुपये की हो गई है। अभी 65 रुपये की चीनी थी, वो 110 रुपये में लाइन में खड़े होके 1 kg मिलती है। आप सबके सामने है। और दोस्तों, जो जो भी बंदा किसी भी पार्टी का है उसके आजजी करते हैं, उसकी मिन्नत करते हैं कि यार अभी भी सारे बंदे अकल कर लें, परियो खानदान का साथ दें, नवाज शरीफ का साथ दें और इनको कामयाब करें। इनको पता चले कि पूरे का पूरा बेकोशोर एक है। इंशाल्लाह ताला इनको कामयाब करवाएंगे पहले से भी ज्यादा वोटों के साथ। इंशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम। ये थे नईम सुल्तानी साहब, जिन्होंने वरियो खानदान का साथ देने का आजम कर लिया है। इंशाल्लाह ताला ये वरियो खानदान के साथ हैं और ये पेकोशोर की नुमाइंदगी भी जो हम कर रहे हैं, ये तीनों दोस्त मिलके, ये तो पहले ही सब लोग वरियो खानदान के साथ हैं। चौरी अख्तर अली मरहूम के वक्त से लेके आज तक वरियो खानदान पेकोशोर का पोलिंग हार के नहीं गया, हार के नहीं गया। और इंशाल्लाह ताला ये रीत बरकरार रहेगी इंशाल्लाह ताला। ये आज चोरी तारक सुबानी है, ये कुछ देर के बाद फिर जनरल इलेक्शन आएगा और ये खानदान का कोई भी आदमी इस हलके से इलेक्शन लड़ेगा, अल्लाह के फजल करम से पेकोशोर की सरजमीन से वो कामयाब होकर जाएगा इंशाल्लाह। और चोरी तारक सुबानी साहब, मैं आपको एक बात बता दूं कि पेकोशोर की सरजमीन में कुछ चंद अनासर रह गए PTI के, चंद अनासर। इंशाल्लाह ताला वो इलेक्शन तक मुझे अल्लाह के घर की उम्मीद है कि वो भी वापस आ जाएंगे। और इस पोलिंग से आपको पता चलेगा कि वरियो खानदान का वोट कितने निकले हैं और कितने हैं और कितने बाकी हैं, जो बाकी रह भी गए हैं। वो कहते हैं ना कि शाम का भूलिया सुबह का भूलिया शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। ये भूले हुए लोग हैं। ना सियासी मंशूर का पता है, ना किसी कट पर जाके बात करने का पता है। चंद अनासर है PTI के आज भी यहाँ मौजूद है कि जाकर देखो वो खेतों में क्या कर रहे हैं। सूट पाना नहीं आता, बात करनी नहीं आती, वो तो नारा मारेंगे ही PTI। का मंशूर क्या है? ये आवाम को जलील करना, जलील और रुस्वा करके रख दिया है। ये डॉक्टर फजोसा शकवान जो आज भी इमाम खसूसी बन के बैठी हुई है, मेरे इसी गाँव में जब वजीर तलात और नशरियात पीपल्स पार्टी के दौर में वो बनी थी तो उसने मेरे गांव में ये वादा किया था वाटर सप्लाई का, और वही पाइप आज भी गलियों में पड़ा हुआ है। कितने साल हो गए हैं पीपल्स पार्टी का दौरे तदार खत्म हुए, वो पाइप आज भी नीचे ही है। वो पता नहीं गल गया है या नहीं है या उसको कोई ले गया है। वो वहां पूरे गांव में बिछा हुआ है, उसका कोई वारस नहीं है। वो पैसा किसका है? ये हुकूमत पाकिस्तान का है, इस आवाम का है। अगर वो आज भी मामले खसूसी बनी हुई है तो उसको भी पुटअप कर सकती थी। कितनी बार यहाँ आई है, यहाँ बैठ के पानी पी के, ये जो चंद नासर उसके हैं उनके घरों में बैठ के पानी पी के वो चली गई है। किसी में इतना जज्बा नहीं है कि उसके सामने खड़ा होके बात करे। वो कहती है बैठ जाओ थे फलाड़िया टींगलिया, वो इस तरह बोल, उसको खुद बोलना नहीं आता तो उसने यहाँ कैसे बोलना है। लेकिन मैं अपने पेकोशोर की आवाम के साथ मिलकर चौरी तारक सवारी साहब आपसे यह वादा करता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से ये इलेक्शन आ जाए, जनरल इलेक्शन भी आएगा, हमारी जिंदगी में जितने भी इलेक्शन आएंगे आप ये कहेंगे कि वाकई
पेकोशोर की आवाम ने हमारा साथ देने का वादा किया था। हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, इंशाल्लाह रहेंगे और हर भरपूर तरीके से रहेंगे और हमेशा आपका साथ दिया है, इंशाल्लाह दोबारा भी देंगे, हर बार देंगे, हर बार देंगे। अब इसके साथ मैं आप लोगों को, अपने गांव के लोगों को तारफ तो करवाया नहीं कि यह स्टेज पर बैठे हुए चौरी तारिक सुबहानी साहब जो एमपीए के उम्मीदवार हैं, लुकी छुपी शख्सियत नहीं है, पूरा पाकिस्तान जानता है, उनके हमराह सलमान मुगल साहब ऑफ चरिंड, हमारी यूनियन कौंसल भी चरिंड है, वहाँ से वो भी तशरीफ़ लाए हैं, ये कैसर साहब हैं, ये हमारे चेयरमैन हैं अरफान नारू साहब, वो भी स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हैं, और मैं इन तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने वहाँ लाकर अपने कीमती वक्त से टाइम निकाला और हमें ये मौका दिया कि हम अपने दोस्तों को इकट्ठा कर सकें। और तारिक सुबहानी साहब, जलसे का टाइम आपने देना है, आज दे दें, कल दे दें, परसों दे दें, जब आपका जी चाहे हम आपका भरपूर और बहुत बड़ा जलसा कराएँगे इंशाल्लाह ताला। इसके साथ ही मैं दावा देता हूँ हमारे साहब का चेयरमैन रफान नारू साहब के, वो भी आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। सुल्तानी साहब का बहुत ज़्यादा मशकूर और ममनून हो कि उन्होंने अपने डेरे पे ये कॉर्नर मीटिंग का हमें पता था, लेकिन ये एक जलसे की शक्ल अख्तियार कर गई है। और बिलखसूस मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ यूनस जट साहब का कि जिन्होंने आज के दौर में कोई भी लोग हकीकत को मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इन्होंने बिल्कुल आवाम की नब्ज पे हाथ रख कर उनके दिलों की तर्जमानी की है। मैं बेहद मशकूर और ममनून हूँ भाई रफीक मुगल साहब का कि जिन्होंने ये सारे मामलात में भरपूर साथ दिया, कोशिश की, जदोजहद की इन लोगों को कायल करने के लिए। और मैं बेहद मशकूर और ममनून हूँ जनाब आमिर मुगल साहब का कि जिन्होंने बहुत हंदा पेशानी से हमारे जो इल्तजा थी, रिक्वेस्ट थी, उसको सुना। और मैं शुक्र गुजार हूँ भाई अहमद साहब का कि जिन्होंने इस कारवां को यहाँ पहुँचाने में भरपूर किरदार किया। मैं उन सब लोगों का शुक्र गुजार हूँ जिन्होंने इस काफले को सुबहानी साहब के हवाले किया, इनके साथ जोड़ा। मैं सबका तहे दिल से शुक्र गुजार हूँ और बिलखसूस पंडाल में बैठे हुए दोस्तों का। मेरे दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि जब जब पाकिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत आई है तो पाकिस्तान ने हमेशा तरक्की की है। आप सब जानते हैं कि जब मियां साहब की हुकूमत 1992-93 में थी तो आपको पता है पाकिस्तान में एक नारा बज रहा था। क्या नारा लग रहा था कि एशियन टाइगर होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान की तरक्की दिन ब दिन आगे जा रही थी। उसके बाद दोबारा हम 1998 की तरफ नजर दौड़ाएं तो फिर दोबारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट आई और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने 1998 में 28 मई को पाकिस्तान को एटमी धमाके करके इस्लामी दुनिया में एक एटमी मुल्क होने का एजाज दिलाया। उसके बाद आप सब जानते हैं कि 1999 में आपकी गवर्नमेंट खत्म की गई और 9 साल आमरियत का दौर रहा, पाकिस्तान नीचे गया। उसके दोबारा एक और गवर्नमेंट मादरे वजूद में आई जिसने पाकिस्तान को अंधेरों में भेजा। फिर आप सब लोग जानते हैं कि 2013 में दोबारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पाकिस्तान की गयूर आवाम ने पाकिस्तान की दौड़बाज संभालने के लिए उन्हें कहा कि हम मियां साहब हम आपके साथ कदम बढ़ाएं और उनकी हुकूमत दोबारा पाकिस्तान में आई। 2013 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के दो मंशूर थे, पहला लोड शेडिंग का खात्मा किया जाएगा, दूसरा मंशूर यह था कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा किया जाएगा। आप सब लोग गवाह हैं कि जब 2013 में हमारी गवर्नमेंट आई तो पाकिस्तान में 18-18 घंटे की लोड शेडिंग थी। पाकिस्तान में जब भी टीवी ऑन करें कभी इस्लामाबाद में धमाका, कभी पिंडी में धमाका। और आपने देखा कि मियां साहब ने जो वादा किया था कि मैं पाकिस्तान से लोड शेडिंग का खात्मा करूंगा तो उन्होंने ये खात्मा किया। उसके बाद उन्होंने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ज़र्बे अज़ब प्रोग्राम फौज के साथ मिलकर किया। हम हराज अकीदत पेश करते हैं पाक आर्मी को कि जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश करके पाकिस्तान को आज अमन दिया है। आज हम रोशनी में
अमन में बैठे हुए हैं। और उसके बाद दोबारा जब 2018 का इलेक्शन आया, मेरे दोस्तों सिर्फ मैं ये आपको ये अर्ज करना चाहता हूं कि जब अच्छे बंदे की गवर्नमेंट आती है तो सब चीजें ऊपर जाती है और महंगाई कम होती है। आपने देखा मियां साहब के दौर में पेट्रोल डीजल 65-70 रुपए तक आ गया, और आपने देखा कि यूरिया डीएपी की कादें नीचे आई, और पाकिस्तान तरक्की की मनाजर तय कर रहा था, और पाकिस्तान में सी पैक का मनसूबा आया। आज किसी ने सी पैक का नाम सुने? फिर 2018 में जब दोबारा एक खान साहब को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया तो उन्होंने वादा किया था, क्या आपने बोला था उनसे कि 1 करोड़ हमें नौकरियां दे, वादा करो तुम? क्या आपने कहा था 50 लाख घर बनाने का? हमने तो नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने कहा यह हमारा मंशूर है। उन्होंने कहा मैं अगर IMF गया तो मैं खुद खुशी कर लूंगा। क्या हाजा असम मोहम्मद साहब कहते हैं, कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। मेरे दोस्तों याद रखो, आज का जो वोट है ये पाकिस्तान को बचाने के लिए है। पाकिस्तान के लिए जो हमारी पार्टी बस मुख्तसर मैं अपने अल्फाज को क्लोज कर रहा हूं। तो मेरे दोस्तों 3 साल आप देख लें, जो 2018 में महंगाई का लेवल था, आज 2021 में वो वाम के बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। आप सब लोग गवाह हैं। क्या इन गर्मियों में कभी लोड शेडिंग गैस की सुनी थी आपने? आज आप देख रहे हैं कि पूरी पूरी रात हमारे गांव में गैस नहीं आती। हमारे घर मेहमान आ जाए, क्या ये हमारे हकूक नहीं है? क्या हम पीछे जा रहे हैं, हमें आगे जाना चाहिए? तो मेरे दोस्तों मैं आपको ये गुजारिश करूंगा कि आज आपने चौधरी तारक सुबहानी साहब के हाथ मजबूत कर रहे हैं, आपने चौधरी अरमान सुबहानी साहब के हाथ मजबूत करने हैं, आपने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के हाथ मजबूत करने हैं, आपने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हाथ मजबूत करने हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आपके वोट की ताकत से, अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत मादरे वजूद में आएगी। तो इंशाअल्लाह ताला वहीं से पाकिस्तान दोबारा तरक्की का आगाज होगा। मजीद अपडेट के लिए देखते रहें क्या न्यूज़ लाइव।